वो आगे जाना चाहती थी लेकिन एक अदृश्य दीवार उसे रोक लेती है। उसे अचानक से एक अनजानी ताकत ने इस जगह कैद कर लिया है। वो इस अदृश्य दीवार के पार देख सकती है लेकिन वो इसके पार नहीं जा सकती। इस दीवार में कोई दरार नहीं है लेकिन ईवा हिम्मत हारने वाली नहीं थी। वो जल्दी से दूसरी दिशा में चलकर जाती है। वहां उसे एक बूढ़े पति पत्नी दिखाई देते हैं। वो उनसे मदद मांगना चाहती है लेकिन अफसोस ऐसी ही एक अदृश्य दीवार इस ओर भी है। वो खूब तेज चिल्लाकर उनसे मदद के लिए चीखती है लेकिन उसे उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद ईवा को एहसास होता है कि नल से लगातार पानी बह रहा है लेकिन बूढ़ा आदमी एक ही अवस्था में एक मूर्ति की तरह खड़ा हुआ है और बूढ़ी औरत भी बिना किसी हलचल के एक जगह पर बस बैठी हुई है। वो बस लगातार बूढ़े की ओर देखे जा रही है जबकि घास पत्ते हिलते हुए नजर आ रहे हैं। ईवा इस भयानक दृश्य को देखकर सहम जाती है। वो अपने कदम पीछे खींच लेती है। वो सोचती है कि ये अदृश्य दीवार अचानक कहां से आ गई और क्यों सिर्फ वो ही अकेली इसके अंदर कैद है। ये एक दिन पहले की बात है जब ईवा और उसके दोस्त एक ट्रिप पर यहां आए थे। यहां पहुंचने पर उसकी दोस्त पहाड़ी से नीचे जाने की इच्छा जताती है लेकिन ईवा को लंबे सफर की थकान के कारण नींद आ रही थी तो वो वहीं पर रुक गई थी। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने दोस्तों की चिंता होती है क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं लौटे थे। ईवा पहाड़ी के नीचे जाकर देखने का निर्णय लेती है। उसका कुत्ता आगे चल रहा था कि तभी वो अचानक से रुक जाता है। वो इतना डर गया था कि वो आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ईवा अकेले आगे बढ़ती है देखने के लिए आखिर माजरा क्या है। वो देखती है कि उसके सामने एक कांच के जैसी एक दीवार है। ये दीवार उसे आगे जाने से रोक रही है। अब वो इस अदृश्य दीवार के भीतर एक कैदी बनकर रह गई है। ईवा रोज देखने आती है दीवार गायब हुई या नहीं। आज पूरा एक महीना बीत चुका है लेकिन उसके दोस्त अभी तक वापस नहीं आए हैं। वो कुछ लोगों और चीजों को दीवार के उस पार देख तो सकती है लेकिन वो उस पार जा नहीं सकती। लेकिन उससे भी खतरनाक बात ये है कि ये दीवारों से घेरते हुए पास आती जा रही है और अब वो अपने कमरे में कैद हो गई है। ये दीवार उसे दबाकर मार देना चाहती है लेकिन तभी ईवा नींद से जाग उठती है। ये बस एक सपना था। ईवा धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। वो अपने हाथों से चेक करके देखती है। शुक्र है दीवार चलकर यहाँ तक नहीं पहुँची है। वो दूरबीन ले जाकर देखती है कि वो बूढ़े लोग अभी भी उसी अवस्था में हैं। अब ईवा का धैर्य टूट रहा है। वो अपनी कार को तेज रफ्तार में दौड़ाती है। वो मन में सोचती है कि आज वो यहाँ से निकल कर रहेगी लेकिन कार दीवार से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसके सर से खून बह रहा है लेकिन दीवार को कोई हानि नहीं पहुँची है। ईवा वादियों में घूम घूम कर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ बस निराशा ही लगती है। लगता है वो अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकेगी। अब थक हार के वो इस कठिन परिस्थिति में खुद को ढालना शुरू करती है। वो अपनी कड़ी मेहनत से सब्जियां उगाती है और जब उसे मीट की जरूरत होती है तो वो गन लेकर अपने कुत्ते के साथ शिकार करने निकल जाती है। आज ईवा को इस कैद में पूरे 121 दिन बीत चुके हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है। अचानक उसे दरवाजे के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोल कर देखती है तो वहाँ एक भीगी बिल्ली बैठी थी। ईवा उसे घर के अंदर ले आती है। अब उसे जिंदगी के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक और साथी मिल गया है। अब कुछ ही दिनों में ईवा के पास कई पालतू जानवर इकट्ठे हो गए हैं और उनमें से ये कुत्ता तो उसके जीने का सबसे बड़ा सहारा है। अपने इस परिवार को पालने के लिए ईवा बहुत सी कलाओं में माहिर हो चुकी है। वो अपनी गाय के लिए जंगल से घास काट कर लाती है। उसने अपने पालतू जानवरों की हर तरह से देखभाल करना सीख लिया है। आज जहां बिना मोबाइल और इंटरनेट के जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है, ईवा इस तरह यहां अकेले पूरा एक साल गुजार चुकी है। वो इन पहाड़ों की कठिन जिंदगी में खुद को पूरी तरह से ढाल चुकी है। एक दिन ईवा देखती है कि वो ट्रक जो यहां खड़े हुए पिछले एक साल से देख रही थी अपनी जगह से खिसका हुआ नजर आता है। वो ट्रक के पास जाकर देखने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वही अदृश्य दीवार उसके आड़े आ जाती है। जब कभी भी उसके अंदर कोई उम्मीद जागती है, ये अदृश्य दीवार उसे चकनाचूर कर देती है। एक दिन वो अपने कुत्ते को पहाड़ों पर घुमा रही थी, तभी अचानक कुत्ते को किसी का एहसास होता है। वो तेजी से उस ओर भागता है। ईवा भी उसके पीछे जाती है। वो एक जीता जागता इंसान है। आज उसने सालों के बाद एक जिंदा इंसान को देखा है। वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि वो कुत्ते को खाने के लिए मारना चाहता था। ईवा तेजी से घर की तरफ भागती है और अपनी शॉटगन उठा कर लाती है लेकिन जब तक वो अपने कुत्ते को बचाने वहां पहुंचती है, वो आदमी कुल्हाड़ी से कुत्ते पर वार कर देता है। ईवा बिना हिचके आदमी पर गोली चला देती है लेकिन उसे पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। उसका कुत्ता जो सालों से उसका साथ निभा रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो बहुत रोती है। वो आंसुओं के साथ अपने साथी को दफना देती है। अब वो वापस उस आदमी के पास जाती है। वो आदमी मर चुका है लेकिन ईवा को इसका कोई दुख नहीं है। उसे उस आदमी पर अभी भी गुस्सा आ रहा है जिसने उसके जान से प्यारे कुत्ते को मार डाला। वो उसकी बॉडी को पहाड़ से ले जाकर नीचे धकेल देती है। अपने कुत्ते को खोने के बाद उसने जीने की आशा भी खो दी है। वो अपनी डायरी में अपनी भावनाओं को बयां करती है लेकिन ये आज आखिरी बार लिख रही है क्योंकि उसकी डायरी का आखिरी पन्ना भी आज पूरा भर चुका है।